तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं आज के बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे कभी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। डजंट मैटर उनका वैल्यू है, उनका जो टर्नओवर करोड़ में भी क्यों ना हो। सो दोस्तों, सीसीपीए का नाम सुना है आपने। सीसीपीए क्या है? द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है कि अभी रिसेंटली अमेजोन के ऊपर पेनल्टी लगा दी है। हुआ यूं था कि कुछ सेल्स हुई थी, अभी कुछ सेल इवेंट हुआ था, उस सेल इवेंट के अंदर अमेजोन के कुछ सेलर्स ने, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ प्रेशर कुकर सेल किए थे जो ISI मार्क नहीं थे। जो कस्टमर्स थे, जो कंज्यूमर्स थे, उन्होंने कंप्लेन दर्ज की और उसके बाद पता चला कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ सेलर्स ने ऐसे बिना ISI मार्क वाले प्रेशर कुकर जो हैं वो सेल कर दिए हैं। और वो प्रेशर कुकर इतने रिस्की थे कि हो सकता था कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। चीफ कमिश्नर जो है CCPA की, नीति खरे, उन्होंने कहा है कि हमने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें हमने अमेजोन को पेनल्टी जो है लगाई है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कुछ डोमेस्टिक कुकर जो है बिना ISI मार्क के जो है ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे सेल किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जितने भी कुकर करीब 2265 प्रेशर कुकर जो आपके प्लेटफॉर्म पे सेल हुए हैं, आपको वो सारे के सारे कुकर्स वापस मंगवाने हैं, कस्टमर्स को सारा पैसा रिफंड करना है और उसके साथ साथ उनके ऊपर 1,00,000 रुपए की पेनल्टी भी ठोक दी। मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि 1,00,000 रुपए से अमेजोन का कुछ नहीं होगा, बट मैं एक चीज समझाता हूँ। अगर इस सिनेरियो से पता चल जाए कि और भी अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कंज्यूमर कंप्लेंट आ रही है, तो हो सकता है ये फिगर्स बहुत ज्यादा हो। इन्होंने कहा है कि हमने नोटिसेस भेजे हैं पेटीएम मॉल को, फ्लिपकार्ट को, शॉपक्लूज को, स्नैपडील को भी, वहां पर भी पाया गया है, वहां से भी ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई है कि उन्होंने कुछ बिना ISI मार्क के प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो अब अमेजोन क्या करने वाला है? अमेजोन ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ कमीशन लिया है, हमने ये प्रोडक्ट सेल नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके सेलर ने, उनके प्लेटफॉर्म पे जो सेलर रजिस्टर्ड है, उन्होंने ये प्रोडक्ट सेल किए। अब या तो हो सकता है ये सेलर वो खुद ही जो उनके खुद के ब्रांड्स रहते हैं उनमें से है, कि सस्ता बनाने के चक्कर में उन्होंने सोचा कौन पता करेगा, कौन हमसे पूछने वाला है, तो वहाँ ये पकड़े गए हैं। और या फिर ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सेलर ने ISI के डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कुछ फर्जी कुकर, प्रेशर कुकर, डुप्लीकेट प्रेशर कुकर या फिर नॉन ISI मार्क्ड प्रेशर कुकर जो है ऑनलाइन सेल कर दिए हैं। सो अमेजोन ने कहा है, इससे हमने करीब 6,06,000 रुपीज़ के जो है कमीशन अर्न किया था, वो कमीशन हम वापस दे देंगे एंड कस्टमर को भी जो है पूरा रिफंड मिल जाएगा। और ये एक तरीके की वार्निंग है अमेजोन को और दूसरे मार्केट प्लेसेस को CCPA की तरफ से, कि अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा करते हैं तो ये आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये एक वार्निंग भी है उन सेलर्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम इनिशियल स्टेज पे तो है कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लेकिन अगर बाद में हमें कुछ डुप्लीकेट सेल करना हुआ तो हम कर देंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे। इस बात की तो गारंटी है कि इन सेलर्स ने, जो ये सेलर्स जिन्होंने इस प्रोडक्ट्स को सेल किया है, अगर वो थर्ड पार्टी सेलर यानी कि अमेजोन की सेलर नहीं है, अमेजोन से मतलब उनका खुद का ब्रांड नहीं है, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ आज के बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे कभी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। डजंट मैटर उनका वैल्यू है, उनका जो टर्नओवर करोड़ में भी क्यों ना हो, वो कितने भी पुराने हो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे, अगर वो अमेजोन खुद भी बेच रहा है और पकड़ा गया तो अमेजोन को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप तो एक सिंपल सेलर हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलती से भी ऐसा मत करें। कई बार क्या होता है कि लोग फेक रिव्यूज़ भी जो है लगवा लेते हैं और फेक रिव्यू से बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करना चाहता हूं, मैंने यहां पे दे दिया, आप देख सकते हैं कि क्या फेक ऑर्डर से हम 100 ऑर्डर्स पर डे ला सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है।